नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट एनडीए के एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहा है या फिर एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनडीए के सिलेबस के बारे में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि एनडीए के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किस में से कितने नंबर का आता है, सब कुछ, कितना टाइम मिलता है एग्ज़ाम के देने के लिए, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो आपको अगर ये सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस वीडियो के साथ में पूरे बने रहिएगा। दोस्तों देखिए, ये एक बुक है एनडीए एनए अरिहंत की बुक है, अरिहंत प्रकाशन की। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें देखिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी प्रवेश परीक्षा, देखिए आप एक बार पूरी बुक देख लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। तो मैं आपको इसी बुक से टोटल सिलेबस के दिखाने वाला हूँ आपको, हाँ, क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, सब कुछ आपको। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है एनडीए की टोटल विषय सूची। तो देखिए विषय सूची, इसका पूरा इंडेक्स है। तो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको सारा सारा इस वीडियो में पढ़ के बताने वाला हूँ। देखिए गणित, मैथ्स से कितने आते हैं टोटल, देखिए मैथ्स इसमें 30 इसमें लिए गए हैं, मतलब चैप्टर्स। देखिए हम आपको एक एक चैप्टर का नाम बताते हैं। गणित में पहला है समुच्चय सिद्धांत, संबंध फलन, सम्मिश्र संख्याएँ, द्विगुण संख्याएँ, अनुक्रम एवं श्रेणी, द्विघात समीकरण एवं असमिकाएँ, क्रमचय एवं संचय, द्विपद प्रमेय, लघुगणक, आव्यूह सारणिक, कोणों का मापन तथा त्रिकोणमितीय अनुपात, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ऊंचाई एवं दूरी, त्रिभुजों के गुण, समकोणीय कार्तीय निर्देशांक एवं सरल रेखा, वृत्त, शांकों परिच्छेद, त्रिविमीय ज्यामिति, सीमा, सतत्ता एवं अवकलनीयता, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। ये हो गया 24 और उसके बाद से यहाँ पर है 25 से। देखिए वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित, सांख्यिकी, प्रायिकता और विविध, ये टोटल 30 चैप्टर्स लिए गए हैं मैथ से, गणित से आएंगे। उसके बाद फिर आता है जनरल इंग्लिश। देखिए जो मैथ है इसमें से 300 मार्क्स के आएंगे, 300 नंबर का आता है मैथ से, ढाई घंटे का टाइम मिलता है। उसके बाद आता है GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट से आता है 600 में कई सारे होते हैं, उसमें इंग्लिश होता है, सामान्य विज्ञान, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें सारा होता है, GS वगैरह। तो देखिए अब जनरल इंग्लिश पे आते हैं। जनरल इंग्लिश में फर्स्ट है देखिए स्पॉटिंग द एरर्स, वोकेबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, जंबल्ड सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद देखिए सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में से क्या क्या आता है, देखिए सामान्य विज्ञान में आता है पहला भौतिक विज्ञान, उसमें मतलब भौतिक विज्ञान आएगा, रसायन विज्ञान आएगा और जीव विज्ञान आएगा सामान्य विज्ञान के अंतर्गत। तो पहला है भौतिक विज्ञान, उसके चैप्टर्स देख लेते हैं। मापन व यांत्रिकी, कार्य ऊर्जा और शक्ति, द्रव्यमान केंद्र और घूर्णन गति, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्य के सामान्य गुण, ऊष्मा और गैसों का अगुणित सिद्धांत, ऊष्मा गतिकी तथा ऊष्मा संचरण और है प्रकाशिकी। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं और फिर इसके आगे देखिए है दोलन तथा तरंगें, स्थिर वैद्युतकी, धारा विद्युतकी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। उसके बाद है नाभिकीय भौतिकी तथा रेडियो एक्टिविता। उसके बाद है आधुनिक भौतिकी। उसके बाद है रसायन विज्ञान आता है। रसायन विज्ञान में देखिए, रसायन विज्ञान में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण एवं यौगिक, रासायनिक संयोग के नियम एवं गैसीय नियम। फिर है परमाणु अणु एवं तुल्यांकी भारों की अवधारणा। फिर है परमाणु संरचना एवं रेडियो एक्टिविटी और है उसके बाद तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। फिर है रासायनिक बंध। फिर है अम्ल क्षार एवं लवण। उसके बाद है ऑक्सीजन अपचयन एवं विद्युत रसायन। फिर है अधातुएँ एवं उनके यौगिक। फिर है महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। तो उसके बाद आते हैं जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में देख लेते हैं क्या क्या है। सजीव जगत में विविधता, कोशिका तथा कोशिका विभाजन, भोजन के घटक, पादपों तथा जंतुओं का संरचनात्मक संगठन, पादप कार्यकी एवं जनन। उसके बाद मानव तंत्र फर्स्ट, मानव तंत्र सेकंड। उसके बाद है स्वास्थ्य एवं रोग, जीव विज्ञान का आर्थिक महत्व, पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं प्रदूषण। उसके बाद लास्ट आता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में देखते हैं क्या क्या है।
सामान्य अध्ययन में है। पहला आएगा इतिहास। इतिहास के अंतर्गत भी अपना छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं जो हम लोग अभी तक नॉर्मल क्लासेस में पढ़ चुके हैं वो सब, इतिहास, भूगोल, राज भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य ज्ञान। तो ये तो सारा का सारा हो गया सिलेबस, जो कि टोटल इसी में से आएगा एनडीए में। अगर आपको ये टोटल अच्छे से तैयार है तो आपको एनडीए में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। टॉप करना तो बात की बात है, किसके कब मतलब मार्क्स अच्छे आगे, पर क्वालिफाई आप जरूर हो जाएंगे अगर आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको तैयार हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार क्या टाइम वगैरह मिलता है। तो दोस्तों जो मैथ है, गणित है, गणित के लिए आपको टोटल देखिए 900 नंबर का होता है रिटर्न, जिसमें से 200 मार्क्स, जिसमें से 300 मार्क्स जो होते हैं मैथ के लिए निर्धारित होते हैं। 120 प्रश्न आते हैं टोटल मैथ से, 2.5 घंटे का टाइम होता है। और फिर उसके बाद आता है GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट, सामान्य योग्यता परीक्षण। उसमें भाग एक होता है इंग्लिश, भाग दो होता है सामान्य अध्ययन। भाग एक जो कि इंग्लिश है, प्रश्नों की संख्या 50 होती है, 2.5 घंटे टाइम होता है, 200 नंबर का होता है। और जो सामान्य अध्ययन है 100 प्रश्नों की संख्या होती है, 2.5 घंटे मतलब 2.5 घंटा जो होता है वो टोटल के लिए होता है, भाग एक भाग दो अंग्रेजी सामान्य अध्ययन दोनों के लिए 2.5 घंटे का टाइम होता है। और जो ये सामान्य अध्ययन है इसके लिए 400 मार्क्स डिसाइड किए गए रहते हैं, टोटल 900 अंक का होता है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए, आप लोग जरूर ही क्वालिफाई होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।